बॉलीवुड का सफर शुरू होगा भाई तुम्हारे भाई का। आगे के प्लान के बारे में पूछ ला रहे थे भाई, आगे क्या करोगे? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एल्विश यादव की। तो दोस्तों एल्विश यादव ने अपने आज के ब्लॉग में बताया कि उनकी पहली मूवी की शूटिंग शुरू हो चुकी है और आगे उन्होंने क्या कहा आप जरा देखिए। हम पता कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं फिल्म शूट के लिए दूसरी कंट्री नहीं बताऊंगा अभी, अपनी अभी से ही जर्नी स्टार्ट होगी। अपना आँख पे लगा के वो ब्लाइंडर सो के जाएंगे मस्त अपने दूसरी कंट्री। बॉलीवुड का सफर शुरू होगा भाई तुम्हारे भाई का। और दोस्तों मिलन गावन ने भी रिएक्ट करे एल्विश यादव के ऊपर और अभिषेक के ऊपर, आप जरा ये भी देखिए। एल्विश और अभिषेक के बीच में एल्विश जीतना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली का है वो यार, मेरा भाई है वो, और वो भी सपोर्ट करता है मुझे, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूँ। तो अभिषेक से मैं एक्चुअली मिला नहीं, तो मुझे उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं कि वो बंदा कैसा है और ये सब, बट मैंने जितना देखा वो भी बंदा नाइस है, दिल से बनता है, बट या एल्विश तो मेरा भाई है तो या। तो दोस्तों अब बात करते हैं अंकित बयानपुरिया भाई की। तो जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि उनका 75 हार्ट चैलेंज कंप्लीट हो गया, पर वो कल अपने इंस्टाग्राम पे लाइव आए और अपने इस चैलेंज को आगे बढ़ाने की बात करी उन्होंने, आप जरा खुद देखिए। राम राम सारा ने, सब तो पहला दिल से धन्यवाद आप सभी का भाई इतना प्यार देने थी। आगे के प्लान के बारे में पूछ ला रहे थे भाई, आगे क्या करोगे आप, आगे क्या करोगे, तो उस बारे में मैं आप लोगों ने बता दूं कि भाई हम बनाओगे वर्ल्ड रिकॉर्ड। और दूसरी चीज भाई, इस चीज ने आगे बढ़ाने का मेरा एक रीजन और है भाई कि मैं शिव पुराण पढ़ने ला रहा हूं, जो कि मेरी पूरी ना हुई है। आप कर रहे हो आगे, कंटिन्यू कर रहे हो ना अभी? मैं एक माइलस्टोन ही सेट करेंगे भाई 150 का। डन डन डन, बढ़िया है बढ़िया है, रिकॉर्ड बन जाएगा है। वो ही सोच कर साले फिलहाल थे। और दोस्तों आशीष चंचलानी ने अंकित बयानपुरिया भाई को एक अवार्ड डेडिकेट करा है। दरअसल आशीष चंचलानी को एक अवार्ड मिला था इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर, तो उन्होंने वो अवार्ड अपनी इंस्टा की स्टोरी पे डाला और वहाँ पे अंकित भाई को टैग करते हुए कुछ ये कहा, आई ट्रूली बिलीव द ओनली पर्सन दैट डिजर्व दिस अवार्ड दिस ईयर इज अंकित बयानपुरिया, व्हाट दैट मैन हैज डन इज द रियल डेफिनेशन ऑफ अ इन्फ्लुएंसर नॉट मी, थैंक यू अंकित फॉर इंस्पायरिंग मी एंड सो मैनी दिस ईयर। तो अब बात करते हैं दोस्तों गेमर फ्लीट की। तो गेमर फ्लीट को सारे गामा म्यूजिक लेबल ने अननेसेसरी कॉपीराइट दे दिया, तो इस पर उनका क्या रिएक्शन है जरा देखिए। भाई अभी ना रात के 1:30 बज रहे, मैंने ऐसे चेक करा, मैंने कहा देखता हूँ व्लॉग कैसा चल रहा होगा, अंशुपिश व्लॉग्स पे जाके देखा भाई, लेजिट 2 कॉपीराइट क्लेम आ रखे हैं। किस पे भाई? वो राखी वाले व्लॉग पे जिसमें मेरी दीदी, अरे मेरी दीदी ने गाना गाया भाई उसमें, और वो भी इतना भाई, तुमने मेरी दीदी की आवाज सुनी है, उस पे कोई कॉपीराइट मार सकता है भाई? लेजिट एक बारी को मेरी आवाज पे पड़ जाए बात अलग है, बट फिर भी भाई लिटरली यार दीदी ने गाना गाया वो भी गलत भाई, भैया ने भाई की बहना ने भाई की कलाई पे पैसे बांधे हैं, उसने ऐसे गा रखा है, और एक वो क्या कहते थे कुछ तो गाया उसने, और सारे गामा इनने भाई कॉपीराइट क्लेम मार रखा है उसने, ढूंढ के बंदों ने कि भाई अरे हमारे गाने का चेंज करके भी गा रहे हो, पैम से निकालो पैम से भाई। लेजेंड यार, मेरे को इतना अजीब हो गया देख के भाई, क्या चल रहा है यूट्यूब में मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई, मैंने देखा बस मेरी दीदी के गाने पे भाई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।